धमतरी शहर में गायत्री आरोग्य आयुष पाली क्लिनिक द्वारा 2 दिवसीय नाड़ी एवं मर्म विज्ञान का आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले से आयुर्वेदिक से जुड़े डॉक्टर पहुंचे हुए थे। नाड़ी एवं मर्म विज्ञान प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय वैद्य डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी MD आयुष उत्तराखंड से प्रशिक्षण देने पहुंचे हुए थे। इस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद की बहुत ही पुरानी प्राचीन रोगों को पहचानने की जो विद्या है उसे नाड़ी कहते हैं। इसी को प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 40 डॉक्टरों को नाड़ी का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में प्रायोजित रूप से नाड़ी प्रशिक्षण कैसे किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी दी गई। मैं वैद्य नवीन जोशी हूँ, MD आयुर्वेद हूँ। नाड़ी परीक्षण पर मैं और मर्म चिकित्सा का मास्टर ट्रेनर हूँ और मैं पूरे भारत में 10,000 से अधिक वैद्यों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से मर्म और नाड़ी विद्या का मैंने प्रशिक्षण दिया है। आज ये किस चीज़ का प्रशिक्षण है, इसमें क्या क्या बताया? ये देखिए, आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी और प्राचीन जो है वो रोगों को पहचानने की जो विधा थी उसे नाड़ी विद्या, नाड़ी परीक्षण कहते थे। नाड़ी परीक्षण की एक कार्यशाला यहाँ पर डॉक्टर दिनेश नाग ने के जो है सेंटर पर यहाँ पर आयोजित की गई और मैंने यहाँ पर लगभग 40 के आसपास यहाँ पर ट्रेनर्स आए हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से। इन सभी को हमने प्रायोगिक रूप से नाड़ी परीक्षण कैसे करते हैं, नब्ज ज्ञान कैसे करते हैं, नब्ज देख करके कैसे रोगों को पहचानते हैं, इसको क्या तरीके हैं, कैसे इसको अपनी प्रैक्टिस में आप इसका प्रयोग में लाएं, ये सब हमने इनको प्रायोगिक वर्कशॉप में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया और आज आपको ये सिखाया है। कल भी ये कार्यशाला चलेगी। कल इनको हम रोगों को पहचान करने के बाद एक आयुर्वेद की बहुत प्राचीन पद्धति है मर्म चिकित्सा, जिसमें शरीर के ही बिंदुओं को उत्प्रेरित करके चिकित्सा की जाती है, उसके बारे में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहला प्रयास है जिसमें कि नाड़ी प्रशिक्षण पर इतनी ज़बरदस्त कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर दिनेश नाग के इस सेंटर पर किया गया है। ये कितना जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। ये हर वैद्य को, आप जानते होंगे कि पुराने समय में जो वैद्य होते थे वो लोग नाड़ी देख करके रोग पहचान लेते थे, नाड़ी देख कर बता देते क्या खाना है क्या नहीं खाना है, नाड़ी देख कर बता देते कि तुमको क्या अपनाना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, कौन से रोग हो सकते हैं, रोग कब तुम्हारे ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे, क्या दवा दी जाएगी, ये सब वैद्य पहले बता देते थे नाड़ी देख करके। लेकिन क्या हुआ कि पहले हमारे वैद्यों ने इस ज्ञान को बांटना कम कर दिया, लोगों ने अपने बच्चों को बताया या फिर अपने ऐसे शिष्यों को बताया जिन्होंने आगे नहीं बांटा। लोग नहीं चाहते थे कि नाड़ी विद्या सीख करके दूसरे वैद्य भी उतना यश कीर्ति और जो है अपना धन कमाएं। लेकिन हमने इस बात का बेड़ा उठाया है कि हम इस ज्ञान को हर अंतिम व्यक्ति तक, जो भी जी सीखना चाहता है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे एलोपैथिक, मेरे कई एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मुझसे नाड़ी सीखा है, मर्म सीखा है, तो हम सबको सिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस ज्ञान को सीखना चाहिए। जो वात पित्त कफ हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी प्रकृति क्या है, हमको क्या खाना चाहिए, हमको कौन से रोग हो सकते हैं, ये सब आप नाड़ी परीक्षा से सीख सकते हैं। वहीं गायत्री आरोग्य आयुष पाली क्लिनिक धमतरी के डॉक्टर दिनेश नाग ने बताया कि नाड़ी प्रशिक्षण आयुर्वेद के ज्ञान में से एक यह भी है जिससे नाड़ी से रोगियों का पता लगाना है। इस विद्या का जो ज्ञान है वह लगभग 5,000 सालों से चली आ रही है जिसको प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जा रहा है। 2 दिवसीय आवासीय नाड़ी प्रशिक्षण और मर्म चिकित्सा, इसका यहाँ पे कार्यशाला लगाया गया है जिसमें प्रशिक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य और मर्म के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी उत्तराखंड से उनका आगमन हुआ। क्या क्या बताया जाए, क्या प्रशिक्षण दी जाए? देखिए, जैसे कि शिविर ही है, उसका नाम है 2 दिवसीय आवासीय नाड़ी और मर्म चिकित्सा। आयुर्वेद के गूढ़ ज्ञान में जो है, गूढ़ विद्या में से एक ज्ञान यह है कि हम नाड़ी के द्वारा रोगियों की स्थिति को पता लगाएं, उनके रोगों के कारण को पता लगाएं। तो इस विद्या का जो ज्ञान है उसके विशेषज्ञ के माध्यम से दिया जा रहा है कि इस नाड़ी ज्ञान से हम कैसे रोगों के वात पित्त कफ को पहचानें, उसके शरीर में होने वाली विकृति को पहचानें और उसका निदान कैसे करें। इसका बहुत ही बढ़िया प्रशिक्षण डॉक्टर साहब के यहाँ द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, ये तो हम पिछले 5,000 सालों से, जब पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी और इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय से ये ज्ञान चले आ रहा है
लेकिन कुछ ही लोगों तक सीमित था। अब उस ज्ञान को जो है फिर से जो है आयुर्वेद के माध्यम से और इस प्रकार के जो विशेषज्ञों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया है। खासकर उन जगहों में ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर तुरंत हम ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजी, MRI, CT स्कैन नहीं करा सकते, उन स्थानों में भी बहुत अच्छा है। हालांकि जितने भी आधुनिक जाँच है उनका अपना अलग महत्व है, लेकिन फिर भी हमको इस जो आयुर्वेद का जो प्राचीन ज्ञान है उसकी महत्ता बराबर है। प्रशिक्षण में पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद में पहले से ही वर्णन है। नाड़ी डायग्नोसिस की बेसिक प्रक्रिया है। बिना कोई ब्लड टेस्ट, बिना कोई यूरिन टेस्ट शरीर में क्या प्रॉब्लम है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। इस प्रशिक्षण में पहुंचकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और इस प्रशिक्षण के माध्यम से आगे मरीजों के रोगों को पहचानने में बड़ी आसानी होगी। प्रशिक्षण में तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी छुरा से हूँ, गरियाबंद जिला। हम लोग को जैसे ही पता चला कि यहाँ नाड़ी विज्ञान और मर्म चिकित्सा का एक ऐसा सेमिनार होने वाला है, तो हम लोग तुरंत ज्वाइन किए। और आज सर ने, नवीन सर ने पूरे नाड़ी विज्ञान पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पेशेंट डायग्नोसिस के लिए जो बताया वो बहुत अच्छा था। और इससे हमें लगता है कि इससे हमारी डायग्नोसिस में इम्प्रूवमेंट होगा और हम पेशेंट को अच्छे से अच्छा डायग्नोस करके उसकी चिकित्सा बहुत अच्छे से दे पाएंगे। नाड़ी चिकित्सा का महत्वपूर्ण तो हमारे ऋषि मुनियों ने बता ही दिया है, और जो हमारे पूर्वज हैं जो पहले से इसको करते आ रहे हैं, और सर ने बताया कि इसको ना कोरिलेट किया कि अभी जैसे हम लोग इसमें ECG वगैरह करते हैं, तो इससे कोरिलेट करके बताया उन्होंने कि पहले से ही ये विद्या चली आ रही है। जिसको सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि शल्य के जो हमारे शल्य के जो तरफ सर्जरी हैं वो सुश्रुत जी हैं, तो उन्हीं से ही शल्य का आया हुआ है। तो पहले से ही वो सब चीज़ लेते हुए एलोपैथी में ही भी लिया गया है वहाँ से। तो जो सर्जरी का जो अपना डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग जब भी हम लोग डायग्नोस के तौर पे जाते हैं तो वहाँ से जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया तो उसमें ECG का महत्व तो बताते हैं। पर यहाँ सर ने तो बिना ECG के, बिना ही कुछ के, वो पूरे सारे मतलब पेशेंट को डायग्नोस कर डाल रहे हैं और बता रहे हैं ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, हमको बहुत सारी जानकारी से मिली है और आगे सर का लाइन अप रहा तो बहुत अच्छा हो पाएगा। ओके, मेरा नाम धनवंतरी नाग है और मैं जो है रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर हूँ CACD का। तो मेरे को जैसे मैसेज मिला यहाँ पे नाड़ी प्रशिक्षण का शिविर लग रहा है करके, तो मेरा पहले से इंटरेस्ट था इसमें, तो उस हिसाब से मैं इसको कोर्स को ज्वाइन किया हूँ। क्या क्या सीखने को मिला आज प्रशिक्षण? अभी तो बहुत सारा आप सिखाए हैं, डॉक्टर जोशी साहब जो सिखाए ना, वात के बारे में, पित्त के बारे में और कफ के बारे में, तीनों चीज़ के बारे में बताए हैं। और इसमें कोई दोष उत्पन्न होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कौन कौन सी बीमारी होती है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको भी डॉक्टर साहब ने बताया। नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे ऋषि मुनि के जमाने से चला आ रहा है, आज से 5,000-10,000 साल पहले, और वही सब अभी डायग्नोस हो रहा है मशीन के माध्यम से, इसको हमारे ऋषि मुनि लोग शुरू से बता चुके हैं बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर ईश्वर कुमार साहू, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी गरियाबंद में। मैं यहाँ एक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक के रूप में आया था नाड़ी विज्ञान सीखने के लिए। नाड़ी विज्ञान वैसे हमारे आयुर्वेद में पहले से ही वर्णन है, और महर्षि कनाथ का जो नाड़ी विज्ञान किताब है या रावण प्रीत अर्थ प्रकाश है, उसमें इसका पौराणिक जो वर्णन जो मिलता है उसी को आज साहब ने मॉडर्न तरीके से कैसे उसको डायग्नोस करना है, ये डायग्नोसिस की बेसिक प्रक्रिया है। इसमें बिना कोई ब्लड टेस्ट, बिना कोई यूरिन टेस्ट आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग जान सकते हैं। इसमें वातपित्त कफ के हिसाब से वातपित्त कफ में कौन सा प्रकोपित हुआ है, उसको कैसे साम्य अवस्था में लाना है, ये टेक्निक नाड़ी विज्ञान में बताई गई है। कितना जरूरी मानते हैं ये आज के डेट में? बहुत जरूरी है। इसमें बिना कोई खर्च के, बिना कोई टेस्ट के, बिना कोई डायग्नोसिस प्रक्रिया के हम आपको बता दें कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आपको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये बहुत ही इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव एक मेथड है, और इसको हर आयुर्वेद चिकित्सक को आना चाहिए। दूसरे चिकित्सक अपने दूसरों को भी बता सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं और प्रैक्टिस से बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बेसिक चीज़ें बता थी, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सुबह जो रोगियों के साथ हम लोग को प्रैक्टिकल कराया गया वो बहुत ही अच्छा सेशन था, उसमें हम लोग को एक सांस के रोगी को कैसे डायग्नोस करना है वो हमको बताया गया, एक स्किन के रोगी आए थे, एक BP शुगर के रोगी थे, उनको कैसे जानना है वो
तो हमको बताया या बिना टेस्ट के हम लोग उसमें बता पाए कि आपका बीपी बढ़ा है कि शुगर बढ़ा है, ये हम लोग को डायग्नोसिस से ही पता चल गया, नाइन विज्ञान से ही पता चल गया। इस तरह के आयोजन जो हुए हैं हमारे धमतरी शहर में, ये हमारे जो फिजिशियन आयुर्वेदिक फिजिशियन उनके लिए तो यह बहुत उपयोगी है। इस तरह के आयोजन होने चाहिए, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ जो कॉलेज लाइफ में नहीं मिले हैं वो हमारे जो जोशी सर हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया, जिससे हमें आसानी से डायग्नोस जो हमें एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन और ब्लड टेस्ट उनके टेस्ट नहीं उसके उपयोग बगैर भी हम नाड़ी परीक्षण से ये सब चीज़ हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो नाड़ी परीक्षण जो होते हैं ये अभ्यास की होती है, जितना आप रोगी को देखेंगे परीक्षण करेंगे वैसे ही आपके जो नॉलेज साफ होंगे और ये आगे जाके आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं जो आप रोगी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुधीर साहू, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ नारायणपुर में, और अभी वर्तमान में मैं आज नाड़ी प्रशिक्षण शिविर में यहाँ आया हूँ। वैद्य नवीन जोशी सर से काफ़ी मैंने सर का नाम सुना था, इंटरनेशनल नाड़ी सिखाने वाले हैं, यहाँ आकर के मुझे नाड़ी की बारीकियाँ और जो एक ऐसा विषय जो बड़ा गुप्त लगता था उस विषय में काफ़ी कुछ जानने सीखने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए और मैं बहुत चीज़ें यहाँ सीख के जा रहा हूँ। क्या क्या सीखे हम लोगों ने? नाड़ी के प्रकार सीखे, नाड़ी किस तरीके से देखना है वो सीखे, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग जो नाड़ियाँ मिलती हैं वो देखे, या नाड़ी देख करके हम लोग पेशेंट्स को क्या पहले से चीज़ों को समझ सके। जैसे आज आप देखते हैं ना डायग्नोसिस के लिए काफ़ी चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, MRI है, सोनोग्राफी है, तो उसके पहले भी हम लोग मरीज को हम लोग जाँच सके समझ सके वो बड़ी अच्छी चिकित्सा होती है।